आज का जो चैप्टर है चैप्टर 8 वी वुड बी स्टार्टिंग विद दिस चैप्टर द नेम ऑफ द चैप्टर हैपेंस टू बी अकाउंट्स सेक्शन नंबर 128 से लेके 128 से लेके सेक्शन नंबर 138 यहां तक हम लोग पढ़ेंगे इसके अलावा कंपनीज अकाउंट्स रूल्स इसके अलावा कौन से रूल्स पढ़ेंगे बच्चों कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 तो ये दो चीजें हम पढ़ेंगे पहला सेक्शन 128 से लेके 138 तक दूसरा कंपनीज अकाउंट्स रूल्स 2014 ये चीजों के बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा चलिए सो पहले थोड़ा सा देखते हैं कि भाई ये अकाउंट्स क्या होते हैं कंपनी को क्यों बनाने पड़ते हैं तो सबसे पहला जो मेरा डिस्कशन होगा आपके साथ सबसे पहला डिस्कशन सेक्शन नंबर 128 किसे डील करता है 128 बुक्स ऑफ अकाउंट्स यस याद रखना है ये सारे सेक्शंस चलिए तो यहां पर मैं लिखूंगा सबसे पहले सेक्शन 128 किसे डील करता है बच्चों ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स अब अच्छा बुक्स ऑफ अकाउंट की स्टोरी बड़ी सिंपल सी है अच्छा चैप्टर का वेटेज है 8 मार्क का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सो मैं चाहता हूं ये चैप्टर हम सब बहुत अच्छे से पढ़ें चलिए सो अब सबसे पहली चीज ये है व्हाई माय कंपनी नीड्स टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेरी कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर करने की जरूरत क्या है एक मिनट सिंपल बच्चों जब अभी फॉर एग्जांपल अगर आपको पापा 100 रुपए दें आपके इफ योर फादर गिव्स यू रुपीज 100 और आपसे कहें कि एक काम कर यार बेटा जा बाजार से 5 किलो आलू लेकर आ जा 5 किलो क्या लेकर आ जा आलू लेकर आ जा और आपको कितने रुपए दें 100 रुपए दें आलू आए 80 रुपीज के 5 kg आलू कितने के आए 80 रुपीज के आप घर जाते हो उसके द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज व्हाट जो सबसे पहली चीज आप करते हो क्या करते हो आप अपने पापा को हिसाब देते हो इन द सेंस इज आप अपना अकाउंट देते हो किसको देते हो अपने पिताजी को आप अपना अकाउंट देते हो सो बेसिकली जब आपके पास किसी दूसरे का पैसा होता है सुनिएगा ध्यान से व्हेन यू हैव द मनी ऑफ सम अदर पर्सन जब आपके पास किसका पैसा है जब आपके पास किसी और के पैसे हैं तो क्या करते हो आप बच्चों व्हेन यू हैव मनी बिलोंगिंग टू सम अदर पर्सन इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें उसके पूरे पैसों का क्या रखें हिसाब रखें इन द सेम मैनर कंपनी को पैसे कौन देता है हु प्रोवाइड्स मनी टू द कंपनी हु प्रोवाइड्स फंड्स टू द कंपनी करेक्ट है कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी कंपनी क्या है बच्चों सेपरेट लीगल एंटिटी है बच्चों कंपनी खुद की ओनर खुद है बट कंपनी को चलाने के लिए दूसरे लोग उसमें क्या करते हैं कंपनी को चलाने के लिए दूसरे लोग उसमें क्या करते हैं अदर पीपल पुट देयर मनी इनटू द कंपनी कंपनी को चलाने के लिए दूसरे लोग क्या करते हैं बच्चों उसमें पैसे डालते हैं सो जब मैं कहूं कि दूसरे लोग कंपनी को चलाने के लिए उसमें पैसे डालते हैं जब मैं कहूं कि दूसरे लोग कंपनी को चलाने के लिए उसमें पैसे डालते हैं तो कहना ही से कंपनी उस पैसे को खर्च भी करती है कंपनी उस पैसे को क्या करती है खर्च भी करती है जब कंपनी उस पैसों को खर्च करती है व्हेन द कंपनी स्पेंड्स दैट मनी कंपनी की जिम्मेदारी है कि कम से कम साल में एक बार जो भी पैसे उसने खर्च किए हैं उसका ब्यौरा कम से कम एक बार किसको दे शेयर होल्डर्स को दे साल में एक बार सो हमारे यहां पे अकाउंट्स बनते हैं किसके लिए कंपनीज एक्ट बोलता है हमारे यहां पे अकाउंट्स किसके लिए बनते हैं बच्चों फॉर अ फाइनेंशियल ईयर किसके लिए बच्चों फॉर अ फाइनेंशियल ईयर सो अब हमारे यहां पे सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 फाइनेंशियल ईयर को भी डिफाइन करता है कौन सेक्शन बच्चों सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 किसको डिफाइन करता है फाइनेंशियल ईयर को भी डिफाइन करता है हम उसके बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे फिर
ऐसे कौन से लोग हैं जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी की बने, उनके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या चीजें आनी चाहिए, उनके बारे में भी हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और आज का पूरा डिस्कशन मैं सिर्फ एक ही सेक्शन पे करूंगा। कौन सा सेक्शन? एग्जैक्टली, आई एंटायर लेक्चर वुड बी ऑन ओनली वन सेक्शन, दैट इज सेक्शन नंबर 128, दैट पर्टेन्स टू वन बेटा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द कंपनी। इज दैट क्लियर? चलिए, सो बच्चों, जब मैं कहूं कि कंपनी को क्या मेंटेन करनी है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंपनी को मेंटेन करनी है, चलिए बच्चों, नाउ सो बच्चों, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्यों यूज होती है, सबसे पहले मुझे बताइए, हम लोग बुक्स ऑफ अकाउंट्स यूज क्यों करते हैं? टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। यस नो बच्चों? तो सबसे पहले कंपनी की जिम्मेदारी क्या है, कंपनी को अपने सारे ट्रांजेक्शन क्या करने चाहिए, कंपनी को अपने सारे ट्रांजेक्शन क्या करने चाहिए, रिकॉर्ड करने चाहिए। कहां पर रिकॉर्ड करना चाहिए? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। उसके बाद अब यहां पे एक वर्ड यूज किया है इन्होंने, कौन सा वर्ड यूज किया है? जैसे अगर 1956 का आप एक्ट देखते तो उन्होंने हर जगह पे अकाउंट्स 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 यूज किया था, यहां पे कौन सा वर्ड यूज किया है? यस, 2013 का जो कानून है, 2013 का जो लॉ है, वो कौन से वर्ड को यूज करता है? वो यूज करता है वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 2013 का जो कंपनीज एक्ट है वो कौन से वर्ड को यूज करता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आ जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट, ठीक है। क्या क्या आ जाएगा बच्चों? सो व्हेन आई से कंपनी हैज टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और नोट्स टू अकाउंट्स, ये चीजें कंपनी को क्या करना है? मेंटेन करनी। सो जब मैं ये कहूं, सो मैं ये नहीं कहूंगा कि कंपनी को अपने अकाउंट्स मेंटेन करना चाहिए, मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करना चाहिए। व्हेन आई से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जब मैं कहूं क्या कहूं, तो ये सारी चीजें आती हैं, ठीक है। अब 128 एक और चीज बोलता है कि कंपनी को क्या मेंटेन करनी चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच शोज ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। इसका मतलब क्या होता है? कंपनी को ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना चाहिए जो क्या दिखाए बच्चों? विच शो व्हाट बेटा? ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ व्हाट बेटा? अफेयर्स ऑफ द कंपनी। व्हाट डज इट मीन? कंपनी की वास्तविक परिस्थिति दिखाना चाहिए। जैसे कि जैसे अगर आप सत्यम का स्कैम ले लें, अभी रिसेंट जो ILFS का स्कैम हुआ था, वो स्कैम्स देखें, हर जगह पे ऐसा हुआ कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो कंपनी की वास्तविक परिस्थिति नहीं दिखाते थे। हर जगह ऐसा हुआ कि जो कंपनी के क्या थे, जो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स थी वो कंपनी की वास्तविक परिस्थिति नहीं दिखाते थे। जब मैं कहूं कि कंपनी की वास्तविक परिस्थिति नहीं दिखाते थे, इसका मतलब क्या है? कंपनी के एसेट्स जहां पर 300 करोड़ के थे, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखा जा रहा था कि एसेट्स 3000 करोड़ के हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या लिखा जाता था? कि एसेट्स 3000 करोड़ के हैं। जहां जब एक्चुअल एसेट कितने हैं आपके? जब आपके एक्चुअल एसेट्स 300 करोड़ के हैं, तो यह बताया जाता था कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि भाई अकाउंट्स हमारे जो एसेट्स हैं वो कितने करोड़ के हैं, वो हमारे एसेट्स 3000 करोड़ के हैं। ना क्या ये सही था? मतलब हमारा 128 क्या बोलता है?
कि बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या देना चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू. मतलब अगर ट्रू मतलब फेयर मतलब निष्पक्ष, ट्रू मतलब सही, और व्यू मतलब कंपनी के अंदर क्या है, कंपनी की वास्तविक परिस्थिति क्या है, उसका ट्रू एंड फेयर व्यू किसने देना चाहिए. एग्जैक्टली बच्चों, क्या नहीं से आप किसी इंसान का बैंक स्टेटमेंट देख के बता सकते हो अमीर है गरीब है, हाँ है ना. इन द सेम मैनर कंपनी की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उससे सब चीजें क्लियर होनी चाहिए कि कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी लॉसेस में है, कंपनी की वास्तविक परिस्थिति क्या है. इज दैट क्लियर नाउ. उसके बाद जब मैं कहूं कि कंपनी को बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, कंपनी बुक्स ऑफ अकाउंट कहां पे मेंटेन करती है, कहां पे मेंटेन करती है कंपनी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहां पे मेंटेन करनी है. द कंपनी हैज टू मेंटेन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट वेयर, एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. अच्छा, आपकी ब्रांचेस हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक है तो आपकी क्या होंगी, ब्रांचेस होंगी अक्रॉस इंडिया. सो क्या आप अपने ब्रांच के अकाउंट्स, आप लोग शायद अकाउंट्स में पढ़ते होंगे ब्रांच अकाउंटिंग, आई बिलीव फाउंडेशन में ना क्या, अच्छा एग्जीक्यूटिव में भी अकाउंट्स का सिलेबस बहुत कम कर दिया है. पहले अकाउंट्स में मेरे ख्याल से हम लोग पढ़ते थे ब्रांच अकाउंटिंग, ठीक है, या बीकॉम में कहीं ना कहीं तो पढ़ोगे आप लोग, मेरे ख्याल से बीकॉम में शायद पढ़ोगे एग्जैक्टली डिपार्टमेंट या ब्रांच अकाउंटिंग. तो बच्चे ये ब्रांच अकाउंटिंग आप लोग कहां पे रखोगे, इधर. सो बुक्स ऑफ अकाउंट कहां मेंटेन करनी है आपको, रजिस्टर्ड ऑफिस में. उसके बाद लॉ बोलता है कि हर एक ब्रांच में भी क्या करने है आपको, हर एक ब्रांच के लिए भी क्या करने है आपको, सेपरेट ब्रांच अकाउंट. अच्छा, ब्रांच के स्टेट अकाउंट्स को आप कहां रख सकते हो, अपने रजिस्टर ऑफिस में मेंटेन कर सकते हो, बट दैट बिकम्स डिफिकल्ट क्योंकि रोज ट्रांजेक्शन कहां पे हो रहे हैं, अब उसके रोज के ट्रांजेक्शन आप कहां पे रिकॉर्ड करोगे, नहीं चल पाएगा. तो सहूलियत क्या है, ब्रांच के अकाउंट आप कहां पे रख लो, ब्रांच में ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन ब्रांच के अकाउंट्स का पीरियोडिक रिटर्न, रिटर्न मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब ब्रांच में जब जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हो, पीरियोडिक मतलब बेसिकली क्वार्टर टू क्वार्टर. पीरियोडिक मतलब क्या होगा बच्चों, क्वार्टर रिटर्न कहां पे आना चाहिए बच्चों, रजिस्टर्ड ऑफिस में आना चाहिए. सो ब्रांच के जो भी अकाउंट्स हैं, ब्रांच के क्या है बच्चों, ब्रांच के जो भी अकाउंट्स हैं उनका रिटर्न कहां पे आना चाहिए, उनका रिटर्न आना चाहिए कहां पे, रजिस्टर्ड ऑफिस में. सो ब्रांच के अकाउंट आप मेंटेन करो, लेकिन तीन महीने में क्या करो, ब्रांच के जो भी ट्रांजेक्शन है उसका पूरा समरी, उसका पूरा समरी आपने कहां भेजना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में. सेम अगर आपकी ब्रांच कहां पे है, इंडिया के बाहर है, ब्रांच कहां पे है, हो सकता है मेरी कंपनी की एक शॉप कहां पे हो, मेरा एक बैंक है, मेरे बैंक की एक ब्रांच कहां हो सकता है, कहां पे हो इंडिया के. तो बच्चों कहना से वो बाहर की जो ब्रांच है, इंडिया के बाहर की ब्रांच है, वो भी अपने अकाउंट मेंटेन कर सकती है कहां पे, ब्रांच में. लेकिन शर्त क्या है, पीरियडिक रिटर्न या फिर क्वार्टरली रिटर्न कहां पे आना चाहिए, ब्रांच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए कम से कम क्वार्टर में एक बार कहां पे आना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में. उसके बाद बच्चों, अच्छा ये अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप कहां पे मेंटेन करोगे, वेयर विल यू मेंटेन योर बुक्स ऑफ अकाउंट. यस, एज अ जनरल रूल आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमेशा कहां पे मेंटेन होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन होना चाहिए. बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या करेंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस के बदले किसी और जगह पे रखेंगे. किसके पास पावर है बच्चों, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर है. क्या पावर है, कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कहां पे रखेंगे, रजिस्टर ऑफिस के बदले कहां पे रखेंगे, किसी और जगह पे रखेंगे. लेकिन वो जगह कहां पे होनी चाहिए, इन इंडिया. ठीक है, ऐसा हो सकता है, जैसे ऐसा कब होता है, जैसे कंपनी क्या करती है, रजिस्टर ऑफिस किसी गांव देहात में खोल देती है और उसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पे होता है, मुंबई में. कई कंपनीज होती है, जैसे कई कंपनीज की फैक्ट्रीज होती है गुजरात में, सिलवासा में,
ठीक है, दादर नगर हवेली में, बहुत ये इंडस्ट्रियल एरिया से ना, तो यहाँ पे कंपनी की फैक्ट्री है, तो कंपनी ने रजिस्टर्ड ऑफिस भी कहाँ डाल लिया, उन्हीं जगह पे डाल लिया। लेकिन कंपनी का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ पे, सीएस कहाँ बैठते हैं, सब लोग कहाँ बैठते हैं, मुंबई में। तो यस, तो क्या नहीं, कंपनी ऐसा कर सकती है, भाई भले ही हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, दादरा नगर हवेली में है, सिलवासा में है, बट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन करेंगे, रजिस्टर कॉर्पोरेट ऑफिस में, जो कहाँ पर है, मुंबई में। अगर आप ऐसा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन आपने ये डिसीजन लिया है उसके 7 डेज के अंदर प्लीज आप इन्फॉर्म कर दीजिए। किसको इन्फॉर्म कर दीजिए, कौन से फॉर्म में, AOC 5, कौन से फॉर्म में आपको इन्फॉर्म करना है, यू हैव टू इन्फॉर्म द ROC इन विच फॉर्म, AOC 5 रिगार्डिंग व्हाट, मुझे रिगार्डिंग व्हाट, रिगार्डिंग द प्लेस जहां पे आप क्या कर रहे हो, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। इज दैट क्लियर, चलिए नाउ बड़े ध्यान से देखिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर व्हाट, फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। हर फाइनेंशियल ईयर के लिए आपको क्या करने चाहिए, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने चाहिए। जब मैं आपके सामने वर्ड यूज करूं, कौन सा वर्ड यूज करूं, फाइनेंशियल ईयर, इस शब्द का मतलब क्या होता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 41 में डिफाइन किया फाइनेंशियल ईयर क्या है, एक पीरियड जो स्टार्ट होता है कब बच्चों, और खत्म कहां पे होता है, इज दैट क्लियर, एक पीरियड जो स्टार्ट होता है कब बच्चों, 1 अप्रैल को शुरू होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। सो टू दैट पीरियड आई रेफर एज व्हाट बेटा, टू दैट पीरियड आई रेफर एज फाइनेंशियल ईयर। और बच्चों अब हमारे देश में यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट है। नाउ व्हाट कंसेप्ट डज आवर कंपनी फॉलो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर। यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर का मतलब सारी कंपनीज का फाइनेंशियल ईयर एक जैसे ही होगा, एक जैसे ही होगा मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ठीक है। लेकिन बच्चों अब इसमें ध्यान देना, ये तो नॉर्मल रूल हो गया। अब बच्चों अगर आपकी कंपनी किसी साल 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट होती है, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है, 1 जनवरी या उसके बाद इनकॉर्पोरेट हो रही है। इफ योर कंपनी इज गेटिंग इनकॉर्पोरेटेड ऑन और आफ्टर 1 जनवरी ऑफ एनी ईयर, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है, ऑन और आफ्टर व्हाट बेटा, 1 जनवरी ऑफ एनी ईयर, देन इट्स फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर विल एंड ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या सॉरी ऑन 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर करना, अगर आपकी कंपनी कब इनकॉर्पोरेट हो रही है, ये भी रूल याद रखना, कब इनकॉर्पोरेट हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 1 फरवरी 2019 को, तो मेरा फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2020, इज दैट क्लियर। ऐसा क्यों है, अच्छा जो 1956 का एक्ट था वहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा था, 1956 का एक्ट बड़ा बेवकूफ टाइप का था। अगर तुम्हारी कंपनी 20 फरवरी को भी इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता था, 20 फरवरी 2019 को तुम्हारी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो पहला फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता था, 31 मार्च 19, साला एक महीने में क्या तुम्हें, और जब तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया तो AGM करना पड़ता था, तो AGM में करेंगे क्या, एक महीने में थोड़ी ना कंपनी को 100 करोड़ का ऑर्डर मिल गया,
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कंपनी के ऊपर एक अननेसेसरी बर्डन था. कंपनी हैड एन अननेसेसरी बर्डन कि यार अगर फरवरी में इनकॉर्पोरेट हुआ, और कई कंपनियां 30 मार्च को इनकॉर्पोरेट हुई, मान लो इफ एनी कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड ऑन 30th मार्च, व्हाट वुड हैपन? एक दिन का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने और एक दिन का सारा सब्सक्राइबर भी पैसे लेके नहीं आते कंपनी में. वो जो होते ना शुरू के 7 शेयर होल्डर, वही पैसे लेके नहीं आते, तो क्या 000 दिखाओगे? सो इसलिए हमने चेंज किया. हमने क्या बोला, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर अगर तुम किसी तारीख, अच्छा अगर मान लो 1 अप्रैल को तुम इनकॉर्पोरेट हुए 2019 को, तो 31st मार्च ऑफ 2020. इज एवरीवन विद मी? 31st दिसंबर 2019 को इनकॉर्पोरेट हुए हो तो भी मार्च. वेरी नाइस. तो बच्चों ये एक रूल है, यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा तो हम, मैंने कहा कि भाई आपको कौन सा फाइनेंशियल फॉलो करना है. You need to follow which financial year? You need to follow uniform financial year. Please hear. बच्चे ध्यान देखेंगे. You need to follow what beta? You need to follow a uniform financial year. Is that clear? Now, please believe it. एक मिनट. If you have been incorporated on or after 1st January of any year, ठीक है, its first financial year will end on 31st March of the following year. आप बताओगे आंसर? आपने आंसर दिया 31st March. अगर 31st December 19 को अगर आप incorporate हुए तो पहला financial year कब खत्म होगा? 31st मार्च 2020. 1st जनवरी किसी ईयर के 1st जनवरी या उसके बाद आप इनकॉर्पोरेट हुए हो तो आपका पहला फाइनेंशियल कब खत्म होगा? 31st मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. बोलो भूजा, कोई डाउट है? बोलो. चलिए इधर. सो ध्यान दीजिए. सो हियर एवरीवन इज क्लियर विद द कांसेप्ट? चलिए. So, हमारा कंपनीज एक्ट बात करता है किसकी? यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर की. किसकी बात करता है? आर कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर. नाउ लिसन प्लीज. लेकिन बच्चों ये जब हम यूनिफॉर्म फाइनेंशियल ईयर की बात करते हैं तो कुछ कंपनीज को प्रॉब्लम है इस चीज से. जैसे आई बिलीव इंडिया और यूके या 3-4 ऐसी कंट्रीज है जहां पर यह 1st अप्रैल और 31st मार्च का कंसेप्ट फॉलो होता है. बहुत फालतू कंसेप्ट है बच्चों. अरुण जेटली वॉज ट्राइंग हार्ड कि अपने कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर क्या हो जाए, एक जैसे हो जाए. बट इट विल बहुत मेहनत वाला काम है बच्चों. सोचो सब कुछ चेंज हो जाएगा. अरे लेकिन अपने को आसानी मिल जाएगी ना बच्चों. अपन साला कई बार कंफ्यूज भी रहते हैं फाइनेंशियल ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर क्या है. ठीक है कंपनी सेक्ट में तो फिर भी कम वो, बट सिक्योरिटी लेवल हम पढ़ते हैं तो बहुत अटकते हैं हम ना. सो एक मिनट. लेकिन बच्चों फॉर एग्जाम्पल नेस्ले, नेस्ले कॉर्पोरेशन, ठीक है मान लीजिए दैट इज उसकी होल्डिंग कंपनी यूके में है, सब्सिडरी इंडिया में, नेस्ले इंडिया लिमिटेड. हाँ है ना? अब नेस्ले कॉर्पोरेशन इज द होल्डिंग कंपनी. होल्डिंग कंपनी के अकाउंट कब बनते हैं? 1st जनवरी टू 31st दिसंबर. और सब्सिडरी कंपनी क्या फॉलो करती है? 1st अप्रैल से 31st मार्च. अरे हाँ ना बच्चों, मुझे एक चीज बताओ. लेकिन आपको पता होगा शायद, आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, जब होल्डिंग कंपनी अपने अकाउंट बनाती है तो उसको सब्सिडरीज के अकाउंट कंसोलिडेट करने होते हैं. जब होल्डिंग कंपनी अपने प्रॉफिट्स को स्टेट करे तो उसको क्या करना होता है? लेकिन बच्चों बेचारी नेस्ले के लिए पॉसिबल होगा क्या? और अगर पॉसिबल भी होगा तो क्या वो इंडियन सब्सिडरी के अकाउंट को कंसोलिडेट कर सकती है? क्योंकि आप अगर मान लो 1st जनवरी टू 31st दिसंबर 2019 के अकाउंट बना रहे हो तो अपने क्या चालू है? 1st अप्रैल 19 से 31st मार्च 2020. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? आपको अकाउंट कब के बनाने हैं? होल्डिंग कंपनी को अकाउंट कब के बनाने हैं? 1st से लेके 31st 19 तक.
सब्सिडरी के अकाउंट फाइनेंशियल ईयर कैसा है? 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020। बच्चे मैं ये बोल रहा हूं कि थोड़ा सा गड़बड़ होगा या नहीं होगा, हाँ या ना? बच्चे हम लोग वॉक पे जाते हैं, मैं यहां से चलना स्टार्ट, आपको भी 1 किलोमीटर चलना है, मेरे को भी 1 किलोमीटर चलना है, मैं अपनी चलाई यहां से शुरू करता हूं, यहां खत्म करता हूं बराबर 1 किलोमीटर पे। आप अपनी चलाई यहां से शुरू करते हैं, यहां पे खत्म करेंगे, आप 1 किलोमीटर से नहीं पहुंचेंगे, आप 0.75 किलोमीटर ही पहुंचेंगे। हम दोनों पहुंच जाएंगे एक जगह पे, लेकिन हम दोनों की वॉकिंग सेम होगी क्या? नहीं होगी। अब आप अड़े हुए हैं इस चीज पे कि नहीं मेरे को यहीं से स्टार्ट करने का है, तो मैं आपको यही चीज बोलूंगा कि तुम जब यहां से स्टार्ट करोगे तो तुम लाइफ में हमेशा रोज कितना वॉक करोगे? 0.75 किलोमीटर से वॉक करोगे। कुछ समझे मैं ये क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सेम हो रहा है ना, आप 1 जनवरी से 31 दिसंबर के अकाउंट बना रहे हो, आपकी सब्सिडरी जो इंडिया में बेचारी वो मजबूर है, किस चीज के मजबूर है, उसको अकाउंट ऐसे ही बनाना है क्योंकि एक्ट बोलता है। तो बच्चों क्या नहीं से दिक्कत होगी? किन कंपनीज को दिक्कत होगी? उन कंपनीज को दिक्कत होगी जिनकी होल्डिंग कंपनी इंडिया के बाहर है या फिर जिनकी सब्सिडरी कंपनी इंडिया के बाहर है। क्योंकि अगर मैं होल्डिंग कंपनी इंडिया में हूं और मेरी सब्सिडरी कहां है? इंडिया के। तो वो सब्सिडरी कौन सा अकाउंट फॉलो कर रही है? जनवरी से दिसंबर। मैं कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहा हूं? तो मेरे लिए अकाउंट को क्या करना, कंसोलिडेट करना वुड बी डिफिकल्ट ना? अरे हाँ या ना? सो बच्चों ऐसी कंपनियां कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। ऐसी कंपनियां जिनकी होल्डिंग या सब्सिडरी कहां पे है? इंडिया के बाहर है, उन कंपनी वो कंपनी किसकी परमिशन ले सकती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेके दे कैन फॉलो व्हाट दे कैन फॉलो व्हाट दे कैन फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर। इज दैट क्लियर? सो एवरीवन इज क्लियर रिगार्डिंग? सब आदमी क्लियर? सब बच्चे लोग क्लियर हैं? किसके बारे में? फाइनेंशियल ईयर। ये सब जो भी मैं आपको बता रहा हूं कहां पे लिखा हुआ है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 41। कई आलसी लोग बोल रहे हैं कंपनी लॉ। सो जो कहां पे लिखा है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 41। ठीक है ना? प्लीज यो ना, ध्यान से कहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं? व्हाट ऑल डू यू रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? नोट्स में बाद में देखना, पहले मेरी तरफ देख लो। व्हाट ऑल वी रिकॉर्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूं एग्जाम में आपको नोट्स तो बाद में याद आएंगे, शब्द याद आएंगे पहले। हाँ जी, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सबसे पहला ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी। क्या क्या आएगा बच्चों? सबसे पहला ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, मतलब जो पैसा कंपनी को मिला है और जो पैसा कंपनी ने खर्च किया है। उसके बाद आपके एसेट्स हैं, आपकी पोजीशन ऑफ वन बेटा, आपके एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज भी आएंगे, देन आपका क्या आ जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट। लेकिन कुछ कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने से क्या किया गया है? एग्जम्प्ट किया गया है। हाँ, उसके बाद बच्चों ध्यान देखना, अगर आपकी कंपनी सुनो आपकी कंपनी अगर प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, माइनिंग, प्लांटेशन, रबर, देन और भी सिमिलर, मतलब हैवी मनी मैन्युफैक्चरिंग में शामिल है, किसमें शामिल है, तो आपकी कंपनी को सेक्शन 148 के हिसाब से कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। लेकिन कॉस्ट रिकॉर्ड सारी कंपनीज को मेंटेन करने होते हैं? नहीं। कौन सी कंपनीज को? प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रबर, प्लांटेशन, ऐसी बहुत सारी हैवी इंडस्ट्रीज हैं जिनको क्या मेंटेन करने होते हैं? अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड्स भी मेंटेन करने होते हैं। इज दैट क्लियर? नाउ बच्चों
going concern basis? जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट है वो आप कैसे मेंटेन करते हो? गोइंग कंसर्न बेसिस. गोइंग कंसर्न बेसिस मतलब एक होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट और एक होता है गोइंग कंसर्न बेसिस. यस और नो? सो अकाउंटिंग पीरियड कंसर्न कंसेप्ट जो है, जो अकाउंट्स मेंटेन करने का अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट जो है वो टाइम फैक्टर इग्नोर कर देता है. क्या कर देता है? इसलिए आपको हमेशा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट कैसे मेंटेन करने हैं? You have to maintain your books of account on what basis? On what basis? Going concern basis. और दूसरा dual entry system. बच्चों ये 11th 12th का बता रहा हूं मैं आपको. Dual entry system मतलब आपकी आप कंपनी कोई भी ट्रांजेक्शन करती है उसका एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है. ये सुनो बच्चों, and आज तक till date My concepts pertaining to debit and credit are not clear. आपके सामने कंपनी सेक्रेटरी बैठा है, ठीक है. Till date, I have not been able to clear the concepts pertaining to debit and credit. झेपा ही नहीं बच्चों मेरे को भी. लाइफ में कभी मैंने उसमें इंटरेस्ट ली नहीं बच्चों. आते ही नहीं इंटरेस्ट. मतलब अपने को लॉ से इतना प्यार था कि पता ही नहीं चला. प्यार भी नहीं बच्चों. अब लॉ से प्यार इसलिए हो गया क्योंकि वो मेरे को अच्छा लगता था पढ़ना. मतलब कितना बढ़िया है साला पढ़ना, बुक रखी सामने बैठ रहो. अब वाला अकाउंट्स पढ़ना है तो बच्चों पेन लो, कॉपी लो, सामने एक बुक रखो, फिर साला कैलकुलेटर. मतलब कितना, मतलब आलसी लोगों के लिए लॉ बेस्ट है बच्चों. ये तुम दोनों कुंजिका को क्यों देख रहे हो? ऐसे दोनों इसको देख रहे हो. ओके, आलसी लोग जो है उनके लिए लॉ बेस्ट है. क्यों? अब उसमें ही खेलते रहने का बच्चों, ठीक है. जैसे मेरे को ना, मेरा जब मैं पढ़ाई करता हूँ अपने घर पे तो मेरे दो चरण रहते हैं पढ़ने के, दो फेजेस रहते हैं. रात को 3 घंटे बैठ के मैं नोट्स अपडेट करता हूँ, ठीक है. आई सेट फॉर 3 आवर्स एंड आई अपडेट द नोट्स. और उन 3 घंटे में पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने बच्चे सी एस करने वाले काफी लोग कनेक्टेड तो उनके डाउट्स सॉल्व करता हूँ. तो ये मेरा पहला सेशन होता है. सुबह का सेशन होता है पढ़ना. वो मुझे इतना मस्त लगता है. आईपैड खोला, सामने रखा, बीच में झपकी वपकी भी आती है और फिर बच्चे वापस आंख खोला पढ़ने का बच्चों. और वो जरा वो अकाउंट खोला, मतलब लॉ पढ़ते पढ़ते आप चीट भी कर सकते थोड़ा सा. बीच में एक आज जबकि लग जाए सो जाओ. अकाउंट पढ़ते पढ़ते 24 ओके ओके. और इसमें ना बच्चों आखिरी में सरप्राइज नहीं मिलता लॉ में. ऐसा समझ में आ रहा है? वो वाला अकाउंट पढ़ो चला, आखिरी में पूरी मेहनत की बैलेंस शीट टैली नहीं हुई बच्चों. और लॉ पढ़ते पढ़ते आप हिम्मत नहीं हारते, ठीक है. अब मतलब लॉ में अगर डिफिकल्ट भी है तो आपको ऐसा होगा कि कोई कंसेप्ट नहीं समझा. स्टिल यू हैव अ रेमेडी, रट्टा मार सकते हो अगर कंसेप्ट नहीं समझा, बट स्टिल यू हैव अ रेमेडी. बच्चों मैं आपसे एक बंदे को मिलवाऊंगा, नरेंद्र देवरा मेरा ऑनलाइन स्टूडेंट है. हाँ, उसकी मार्कशीट भी मैं आपको दिखाऊंगा. मेरे पास नेट नहीं आता यहाँ पे बच्चों. आपने देखी उसकी मार्कशीट? उसका स्कोर बच्चों आप देखेंगे तो यू विल गो क्रेजी बच्चों. 62, 69, 63, 62 ऐसा स्कोर है ग्रुप वन में बच्चों. ऐसे ही क्या देखना? 62 लास्ट में 60 है. ओके, सारे एग्जम्पशन है ना. सो इधर देखो, 62 ज्यूरिसप्रूडेंस कंपनी लॉ जय जेल में कमाया. ऐसा देखो जय जेल में किसी को कमाता है मेरे को गुस्सा आता है बहुत. 69, 63 किसमें? SBEC और टैक्स बच्चों. ये स्कोर है, जस्ट इमेजिन. इसमें 62 है और इसमें एनीवे. तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं, तुम लोग समझो इस बात को बच्चों. मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूं. अब वो बोलते हैं दिया तले अंधेरा. ये बंदे ने सिर्फ ऑनलाइन लेक्चर लिए थे और इस बंदे से कल मेरी बहुत देर तक बात हुई. तो बच्चों इस बंदे ने बोला कि सर आई जस्ट फॉलोड जो भी वो एक दिशा दी थी इंटरव्यू में आई थी आपके. मैंने दिशा का एक इंटरव्यू डाला था तो उसने बोला था कि आपको पहले से एग्जाम के लिए प्लानिंग करके जाना चाहिए ये वो.
सर मैंने सिर्फ वो फॉलो किया एंड दिस इज द रिजल्ट. बच्चों जस्ट इमेजिन कि बंदे का पेशेंस लेवल क्या होगा. हर एक सब्जेक्ट में उसका परफॉर्मेंस देखो कितना कंसिस्टेंट है. गेटिंग माई पॉइंट? और बच्चों मैं मान रहा हूं, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप सबका ऐसा परफॉर्मेंस हो सकता है. बच्चों उसने ऑनलाइन में एक लेक्चर मिस नहीं किया, जबकि आपको पता है ऑनलाइन में लेक्चर देखना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. सो मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा बच्चों, क्लासेस कम टू द क्लासेस रेगुलरली. एंड इसने एक चीज बोली, ही यूज्ड टू मेडिटेट फॉर 10 मिनट्स एवरी डे. मैंने एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पे डाला था, तो उसने इस वीडियो को बहुत सीरियसली ले लिया. सो उसने कहा कि सर आई यूज्ड टू मेडिटेट एवरी डे फॉर 10 मिनट्स. और बच्चों ये जो लावण्या है, जो AIR 25 है, देन ये बंदा जो टॉपर है, देन पूर्वा जिसका फर्स्ट ग्रुप दिया था निकल गया, उसका भी बहुत अच्छा स्कोर है, 236 के आसपास उसका स्कोर है. इन सब बच्चों में एक चीज कॉमन थी, क्या पता है? ये लोग सबसे पहले तो फेसबुक व्हाट्सएप कहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं. बच्चों ने 3-4 स्टूडेंट्स को देखा, कहीं पे नहीं है. फिर कल भावना आई थी, शी क्लियर बोथ द ग्रुप्स टुगेदर, शी विल बी विद अस इन फाइनल्स. इवन शी टोल्ड द सेम थिंग, सर मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक का अकाउंट बना है बहुत पहले का, बट मैंने 6 महीने से लॉग इन ही नहीं किया. तो बच्चों ये एक बहुत अच्छी चीज है, यू नो, कि आप अपने आप को सोशल मीडिया से कितना दूर रखते हो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों. ये नरेंद्र देवरा, ये बंदा व्हाट्सएप को छोड़ के कहीं पे भी नहीं है. और व्हाट्सएप पे क्यों था पता है? कि सर आपका रोज वीडियो आता था, बोले मैं आपसे इतना दूर रहता हूं तो सिर्फ वही मेरा एक सहारा था कि मैं आपको रोज देख सकता था. मतलब बच्चों ऐसे लोग भी हैं जो मेरे को देखने के लिए, मतलब मैं खुश हो गया. मैंने अपनी वाइफ के सामने लाउड स्पीकर भी लगा दिए, देखो तुम मेरी इज्जत नहीं करती बट मार्केट में मेरा रेपुटेशन कितना है. सो बच्चे ध्यान देखिए, सो दिस इज द केस बच्चे. मैं आपसे एक ही गुजारिश करूंगा कि जस्ट बी फोकस बच्चे. और ये कर सकता तो, एंड ही इज वेरी एवरेज स्टूडेंट, ही इज फ्रॉम मुंबई, गुजराती और मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ है, बहुत सिंपल स्टूडेंट है बच्चों, बहुत प्यारा बच्चा है. मतलब मैं अगर मुंबई गया तो डेफिनेटली मैं इसके पास जाके इसका इंटरव्यू लेने वाला हूँ. आई डोंट नो इस साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट डेफिनेटली. सो अभी ही इज प्रिपेयरिंग, ही स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर ग्रुप 2. तो लेट्स सी, मैंने उसको सिक्योरिटीज में और EBCL में इस 80 का टारगेट दिया है. लेट्स सी अगर वो आ गया तो मैं यहां से नाचते नाचते जाऊंगा बच्चों, पूरा नवी पेट नाचूंगा बच्चों. ठीक है, एनीवे, हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चों, हर एक ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होने चाहिए. कौन कौन से? डेबिट और क्रेडिट. तो बच्चों जैसे एक एग्जांपल, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है बट आई हैव टू गिव. आपने सेल किया तो कैश आपका क्रेडिट होगा, स्टॉक आपका क्या होगा? डेबिट होगा. सो हम लोग ड्यूअल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं? चलिए बच्चों, सॉरी भेजा बेटा, डेबिट कैश होगा और क्रेडिट स्टॉक होगा. मेरे को पता था लेकिन मैंने बोला देखता हूं तुम्हारे कंसेप्ट कैसे हैं. सो बच्चे ध्यान से, तो बच्चे ध्यान देखिए. सो ये सारा तरीका है बच्चों, ये सब चीजें अपने को क्या करना है, फॉलो करना है. नाउ उसके बाद क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी मेंटेन कर सकते हो? इट्स ऑप्शनल. आप क्या कर सकते हो बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी क्या कर सकते हो? मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, जब मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हो, इसका मतलब क्या है? मतलब जो अपन पेपर में मेंटेन करते हैं, पेपर में एंट्रीज मारते हैं, वो अपन कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी अपन क्या कर सकते हैं? मेंटेन कर सकते हैं. मतलब आप बोलो कि अकाउंट्स को मैं फिजिकली मेंटेन नहीं करूंगा, कैसे मेंटेन करूंगा? कोई दिक्कत नहीं, आप इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन कर लो. ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हो तो यू मस्ट हैव द फैसिलिटी ऑफ व्हाट बेटा? स्टोरेज, बैकअप, रिट्रीवल. स्टोरेज, बैकअप, रिट्रीवल, प्रोसेसिंग, व्यूइंग, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए. स्टोरेज मतलब तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोरेज होना चाहिए. बैकअप मतलब तुम जो भी एंट्री अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में मारते हो
इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उसका एक और जगह पे बैकअप मेंटेन, नहीं तो कोई फाइल क्या हो गया, डिलीट हो गया. बच्चों मैंने एक बार सीएस फाइनल में ड्राफ्टिंग बढ़ाता हूं, बच्चों मेरा ध्यान कहीं और था, मेरे को लेक्चर 6 डिलीट करना था, शिफ्ट डिलीट, मैं लेक्चर 1-5 डिलीट कर दिया, शिफ्ट डिलीट. बच्चों पांच वीडियो लेक्चर, पांच हो गए. सो ऐसे ऐसे कांड भी अपन ने किए. तो बच्चों मेरे पास उसका क्या नहीं था, बैकअप नहीं था, बच्चों बर्बाद हो गया. और बच्चों क्लासरूम में अकेले रिकॉर्ड करना लेक्चर, इससे बड़ी त्रासदी कुछ नहीं है. ठीक है, आपको खुद के जोक्स मारने, खुद हंसना है, बच्चों बहुत अजीब से, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है. एनीवे, तो ये सब, हाँ, तो बैकअप होना चाहिए. रिट्रीवल, पर रिट्रीवल मतलब रिसाइकल बिन, रिसाइकल बिन मतलब अगर वो गुम गया तो आपको उसको रिस्टोर करना होना चाहिए. प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस होना चाहिए. डेटा क्या होना चाहिए, व्हाट इज प्रोसेसिंग, मतलब डेटा आप ऐसा स्टोर करो जैसे आपने सेल से, मतलब जैसे अपन एक्सेल शीट में करते हैं ना, अपने सारे डेटा डाल दिए, उसको अपन ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, रैंकिंग दे सकते हैं, तो वैसा. और नेक्स्ट क्या है, व्यूइंग, दिखना चाहिए बच्चों. और कैसे दिखना चाहिए, लेजिबल फॉर्म में. लेजिबल फॉर्म मतलब पढ़ने योग्य, पढ़ने योग्य, इस फॉर्म में देखना चाहिए. और आपको ध्यान से, आप उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते, जो आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिस्पोज मेंटेन किया, आप उसे क्या नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. कब तक नहीं कर सकते, अनलेस यू आर परमिटेड बाय लॉ. Unless you are what, बेटा? Unless you are permitted by law. मतलब अगर आपको लॉ ने परमिट किया है तो बात अलग है, बट लॉ ने अगर आपको परमिट नहीं किया है तो आप क्या नहीं कर सकते, डिस्पोज ऑफ नहीं कर सकते. ठीक है, नाउ अब एक मिनट, when does the law permit? और हमेशा याद रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अपने को मेंटेन कितने साल के लिए करना है, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने को कितने साल के लिए मेंटेन करना है. यस, कहां से बच्चों, 8 प्रीसीडिंग ईयर, कितने साल के लिए मेंटेन करना है अपने को, 8 प्रीसीडिंग ईयर्स. मतलब आज मैं कौन से ईयर में आपके सामने बैठा हूं, 19-20 में बैठा हूं, तो 19-20 के कितने, पिछले 8 साल बच्चों, पिछले, ये सुनो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 पिछले 8 साल तक क्या करने हैं आपको, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, 18-19 से आगे तक. ये सुनो बच्चों, कितने साल तक बच्चों, 8 इयर्स तक के आपको क्या करने हैं, अकाउंट्स मेंटेन करने हैं. अब ये सिमरन बोलती, सर मेरी कंपनी तो 2 साल पहले इनकॉर्पोरेट हुई है. कोई दिक्कत नहीं है, 2 साल का मेंटेन कर ले. Yes, I know, बच्चों, so if you have been in existence for a period of lesser than 8 years, then जितने साल तक आप एग्जिस्ट कर रहे हो उतने साल के अकाउंट्स क्या कर लो, मेंटेन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. हाँ, अगर तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट या तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट अगर क्या क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या ऑर्डर किया है, अगर तुम्हारी कंपनी के अगेंस्ट इंस्पेक्शन वगैरह चालू है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, आरओसी ने क्या स्टार्ट किया है, तो बच्चों क्या नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट आपको ऑर्डर दे सकती है कि आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिजर्व कीजिए. कि कितने साल के लिए, फॉर मोर देन, चलता है. अब आपको एक थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, यार 8 साल ही क्यों, कंपनी को तो परमानेंटली मेंटेन करना चाहिए अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं. तुम हर साल आरओसी का फाइल करते हो ना अपना बुक्स ऑफ अकाउंट, आप आरओसी का फाइल करते हो ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को, तो आरओसी क्या करता है, आरओसी परमानेंटली मेंटेन करता है अपने वेबसाइट पे, अपने डेटाबेस में. आरओसी जो है वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या करता है, परमानेंटली मेंटेन करता है अपने डेटाबेस में. इज दैट क्लियर, चलिए नाउ ध्यान से कहिए, नाउ इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कौन इंस्पेक्ट करेगा बुक्स ऑफ अकाउंट, तीन ही पॉइंट याद रखना है. सबसे पहला
किसके पास राइट है बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट करने का? अच्छा, जब मैं कहूं बुक्स ऑफ अकाउंट मतलब कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट? उस फाइनेंशियल ईयर के जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपके रेडी हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट आपके क्या हैं, जो फाइनेंशियल ईयर गुजर गया है बच्चों, उसके तो बुक्स ऑफ अकाउंट रेडी है बच्चों, आरजीएस फाइल किया आपने, वो तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, कोई भी इंस्पेक्ट कर सकता है। मैं कौन सी ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट की बात कर रहा हूं? करंट ईयर के डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं। बस शेयर होल्डर कब इंस्पेक्ट करेंगे? जब वो फाइनल हो जाएगा, ऑडिट हो जाएगा, उसके बाद। एजीएम के 21 दिन पहले तो हम शेयर होल्डर के घर पे भेज देते हैं। हाँ जी, साल के दौरान कौन इंस्पेक्ट करेगा? एंड ओनली डायरेक्टर्स, मतलब डायरेक्टर्स। अच्छा, जब मैं कहूं डायरेक्टर तो सारे डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर बोल दो, नॉमिनी डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एवरी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट। हर एक डायरेक्टर क्या कर सकता है? बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। लेकिन याद रखना, जब मैं कहूं इंस्पेक्ट कर सकता है, इसका मतलब इंस्पेक्ट कैसे कर सकता है? व्यक्तिगत रूप से, पर्सनली इंस्पेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मेरे बदले मेरा सीए देखेगा, नो। कैसे इंस्पेक्ट कर सकते हो बच्चों? यू कैन हैव द इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। कैसे? पर्सनली। आप होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर हो, किसके डायरेक्टर हो, और आपका मन है सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का, आप किसके डायरेक्टर हो? बट आप सब्सिडरी के डायरेक्टर नहीं हो, बट होल्डिंग कंपनी के डायरेक्टर हो, मन है आपका किसके अकाउंट्स इंस्पेक्ट करने का? चेक कर सकते हो? यस 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 यस, यू कैन चेक, यस यू कैन चेक। लेकिन कैसे चेक कर सकते हैं बिंदास? क्या दिक्कत अपने को? क्या दिक्कत लॉ अलाउ कर रहे हैं क्यों? और एक मिनट, इफ यू आस्क मी लॉजिक क्या है इसके पीछे, होल्डिंग ने तो पैसा लगाया सब्सिडरी में, यस और नो? तो मैं चेक कर सकता हूं कि सब्सिडरी मेरे पैसे को बराबर से यूज कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, क्या हो गया? हाँ, अरे बाप रे, चले हाँ जी बच्चे, ध्यान देखिए। तो होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर किसको इंस्पेक्ट करना चाहता है? सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है। कर सकता है, कैसे करेगा? ओनली व्हेन, एक मिनट, जब होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको क्या करेंगे? ऑथराइज करेंगे। तो आप सब्सिडरी कंपनी के, सब्सिडरी कंपनी में अपनी इच्छा से नहीं जा सकते, कब जा सकते हो? जब होल्डिंग कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करें? ऑथराइज करें अपने डायरेक्टर को कि तुम जाओ और क्या करो, सब्सिडरी के अकाउंट से तुम क्या करो, इंस्पेक्ट करो। तो क्या होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर सब्सिडरी कंपनी के अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है? यस। तीसरा, अपने डायरेक्टर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए कंपनी की जिसको हम मेंटेन कर रहे हैं, कहां पे? अपने डायरेक्टर को कंपनी की ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए जिसको अपन मेंटेन कर रहे हैं। कहां मेंटेन कर रहे हैं? अरे कहां मेंटेन कर रहे हैं? आउटसाइड इंडिया अपन किसी इंफॉर्मेशन को मेंटेन कर रहे हैं। अपने डायरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन चाहिए, क्या अपन दे सकते हैं? क्या अपन दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। जिस इंफॉर्मेशन को अपन इंडिया के बाहर मेंटेन कर रहे हैं, क्या वो इंफॉर्मेशन अपन अपने डायरेक्टर को दे सकते हैं? यस, दे सकते हैं। लेकिन कैसे दे सकते हैं? उस डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? उस डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा? रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। किसको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा? उस डायरेक्टर को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कंपनी को, और कंपनी कितने के अंदर? 15 डेज के अंदर डायरेक्टर को वो इंफॉर्मेशन दे देगी। मयूरी, क्या अनुलोम विलोम कर रही है? ऐसे ऐसे कर रही है। जब अपने को यौन आता है और अपन रोकने की कोशिश करते हैं, हाँ वैसे कर रहे हैं। पूछो, हाँ पूछो, चले। सो आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं बच्चों, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। यस, सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ हु ऑल आर रेस्पॉन्सिबल? टू मेंटेन एंड प्रिपेयर व्हाट बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन और प्रिपेयर करने के जिम्मेदार कौन है? सबसे पहला
मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ या होल टाइम डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, कौन बच्चों? सीएफओ, और लास्ट एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय। सो ये चार लोगों के ऊपर जिम्मेदारी है, क्या करने की बच्चों? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो इन चार लोगों के ऊपर है। एमडी, डायरेक्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस, बोलते हैं डायरेक्टर फाइनेंस, उसके बाद सीएफओ जो कंपनी का सीएफओ है, या फिर एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और अगर ये लोग कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने में फेल हो गए तो 50,000 रुपए से लेके 5,00,000 तक का फाइन, या फिर कितने, 2 साल का है? 1 साल का जेल। और अगर आपकी किस्मत में लंगड़े कुत्ते ने सुसु किया है तो बहुत। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? बच्चों दोनों ही हो सकता है। और ये जो ऑफेंस है ये क्या है? ये जो ऑफेंस है कंपाउंडेबल है। कंपाउंडेबल मतलब, कंपाउंडेबल मतलब इस ऑफेंस में क्या कर सकते हो आप? कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। जैसे आपको 5,00,000 का पेनल्टी देना है तो आप आरओसी को बोल सकते हो 5,00,000 इज मोर, आप 2,00,000 रुपए बोलिए, मैं तुरंत पेनल्टी दे देता हूं और मैं लिख के देता हूं कि भाई दोबारा मैं ये गलती नहीं करूंगा। तो क्या गवर्नमेंट आपके साथ इन ऑफेंसेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकती है? कैन द गवर्नमेंट मेक अ कॉम्प्रोमाइज विथ यू ऑन दीज काइंड ऑफ ऑफेंसेज? यस। चले बच्चों, ये भी हो गया ना। प्लीज बेटा बोल राधिका, पक्का? चले सर। बच्चों ये सारा जो डिस्कशन मैंने आपके साथ किया दैट वाज ऑन विच सेक्शन बच्चों? दैट वाज ऑन सेक्शन 128। सो 128 इज वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो मुझे ऐसा लगता है कि काफी कंपनी के अकाउंट्स के बारे में काफी कुछ बात करता है। कंपनी के अकाउंट्स, ब्रांच के अकाउंट्स का क्या होगा, हु ऑल आर रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, ये सारी चीजें, गोइंग कंसर्न बेसिस, देन डबल एंट्री, ड्यूल एंट्री सिस्टम के आधार पे आपको अपने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या क्या जानकारी आएगी, बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कौन कौन कर सकता है, दीज ऑल इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड वेयर बच्चों? इन सेक्शन 128। चले एक बार देख ले बच्चों। अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय द कंपनी टू कीप अ रिकॉर्ड and report to its shareholders about activities undertaken by it during the year. Company accounts maintain करती है, किस लिए maintain करती है बच्चों? To keep a record of and report to its shareholders about what beta? Activities undertaken by the company during the year. पूरे साल भर में आप जो भी करते हो उसका रिकॉर्ड करने के लिए उन एक्टिविटीज को, और उन एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करके किसको दिखाने के लिए? शेयर होल्डर्स को दिखाने के लिए अपन क्या करते हैं? बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करते हैं। ठीक है, नाउ नाउ आई हैव रिटन एवरी कंपनी शैल प्रिपेयर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरी कंपनी? प्राइवेट, पब्लिक, वन पर्सन, टू पर्सन, मतलब वन पर्सन, जितनी भी कंपनीज है, हर एक कंपनी की जिम्मेदारी क्या मेंटेन करे वो? हर एक कंपनी को क्या मेंटेन करना है? अकाउंट। शैल प्रिपेयर एंड कीप एट इट्स रजिस्टर ऑफिस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड द अदर रेलिवेंट बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर विच गिव व्हाट बेटा? फेयर व्यू ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग इट्स ब्रांच और ऑफिसेस इफ एनी एंड एक्सप्लेन द ट्रांजेक्शन इफेक्टेड बोथ एट द रजिस्टर ऑफिस एंड एट द ब्रांच एंड सच बुक शैल बी केप्ट ऑन व्हाट बेटा? एंड अकॉर्डिंग टू डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। सो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट को क्या मेंटेन करना है? क्या बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या आएगा? जो ट्रांजेक्शन कंपनी में होते हैं वो भी आएंगे, और जो ट्रांजेक्शन कहां पे होते हैं? ब्रांच में होते हैं, वो भी आएंगे। और दोनों का क्या होगा? एक्सप्लेनेशन भी होगा। और सिर्फ आपको बुक्स ऑफ अकाउंट रखने हैं, उसके साथ रेलिवेंट पेपर्स भी रखने हैं। रेलिवेंट पेपर मतलब नोट्स टू अकाउंट्स, ये सारी चीजें भी आपको मेंटेन करनी है। अच्छा, आपकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट पूरे साल की बनेगी उसमें ब्रांच वाले ट्रांजेक्शन भी आएंगे ना? पूरे साल की जो बनेगी उसमें ब्रांच वाली ट्रांजेक्शन भी आएंगे ना? ऑब्वियसली अगर मैं आपकी अपनी कंपनी का सेल्स दिखाऊंगा 500 करोड़, तो ये सेल्स सिर्फ मेरे रजिस्टर ऑफिस से या पूरे ब्रांच ऑफिस से भी है?
Now, books of account. Introduction. The shareholders would like to know as to how the funds available with the company have been utilized during a particular period and whether the company has made profit or suffered losses in that period. Shareholders ये जानना चाहेंगे क्या कि company के पास जो funds हैं company ने उनका use कैसे किया और company को profits हुआ या फिर company को loss हुआ. That is why the Companies Act makes it obligatory for the companies to maintain what beta? Books of accounts and to make available for their members essential information contained therein. Therein का मतलब उसमें, उसमें मतलब books of accounts में in the form of financial statement. और इसलिए हर एक कंपनी को books of account maintain करनी है और अपने shareholders को दिखानी है. क्या दिखानी है? Books of account के अंदर essential information. और इसके अंदर क्या आएगा? Financial statement, balance sheet, profit and loss account, cash flow statement. However, the members are not directly allowed to take inspection of the books of account. Yes or no? जब books of accounts prepare हो रही हैं, क्या तो तुम लोग जाके inspect कर सकते हो? अरे books of accounts जब prepare हो रही हैं, तो क्या आप जाके inspect कर सकते हो? नहीं. Place of keeping the books of accounts. अरे अपन ने books of account अपन inspect नहीं कर सकते ना? तो अपन ने एक रखा है एक आदमी को books of account inspect करने के लिए. Watchdog को रखा है. Place of keeping the books of account. Could it have nar? Onkar, sorry, Chintamani Sora Beta. Section 128 requires that every company shall keep at its register office. What beta? Proper books of account. The books of account first instance mein kaha rakhna hai aapko? Registered office mein. Kaha pe rakhna hai? Registered office mein. However, these books may be kept at such other place in India as the board of directors think fit. However, these books may be kept at such other place in India as the board of directors think fit. But so, at such other place? Matlab, register office ko chhod ke? Register office ko chhod ke bhi aur register office ko jod ke bhi. Matlab, matlab aap ek copy register office mein bhi rakh sakte ho, kahin aur bhi rakh sakte ho. Ya phir puri पूरे को पूरे books of account को आप कहाँ रख सकते हो? Register office के अलावा, नहीं register office में रखो तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन उसके अलावा पूरे इंडिया में कहीं भी रख सकते हो. एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, लिखो क्वेश्चन. ये टेस्ट का क्वेश्चन है. एक्स वाई जेड लिमिटेड इंटेंड्स टू कीप इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स in Durban city of South Africa. Can it keep? देखो register office में रखो और कहां पर रखो या फिर किसी जगह दूसरी जगह पर रख दो. आपको South Africa में रखना, आप बिंदास रखो. पूरा बोल लूं मैं, साउथ अफ्रीका में रखना, बिंदास रखो. बट मेक श्योर यू ऑल्सो कीप योर कॉपी. कॉपी रखने तो आप रख सकते हो ना. आप कॉपी अगर साउथ अफ्रीका में आपकी ब्रांच है तो आप रख सकते हो. बट मेक श्योर यस आप कहां पे रख सकते हो. हाँ अगर मुझे एकदम परफेक्ट आंसर देना तो मैं यही लिखूंगा कि आपको क्या करना है. नहीं अगर लेकिन हाँ एनीवे छोड़ दो. So, कहां पे रखना है? मुझे इंडिया में ही रखना है. बट अगर साउथ अफ्रीका में ब्रांच है तो मैं रख सकता हूँ. प्रिंसिपल अकाउंट्स अपने कहां रखने हैं मुझे? रजिस्टर ऑफिस या फिर एट एनी प्लेस इन इंडिया. सो एक क्वेश्चन हो गया टेस्ट के लिए. ठीक है वो सीएसआर का टेस्ट कंप्लीट हो गया सबका. आपने किया? बाकी लोग कर रहे हैं यार, छोटी छोटी आदतें बहुत मैटर करती हैं. ठीक है Now, here, एक मिनट. Here, within 7 days of decision, a notice in writing indicating full address is required to be given to whom बच्चों? ROC. 7 दिन के अंदर आपको किसको बताना है? क्या बताना है पुनीत? क्या बताना है ROC को 7 दिन के अंदर? कि आप books of account कौन सी दूसरी जगह पे रखने वाले हैं? Is that clear?
कौन कौन से ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करोगे बुक्स ऑफ अकाउंट में? पहला, कंपनी को कितना पैसा आया और कंपनी ने कितना पैसा खर्च किया. सेल्स एंड परचेजेस, सेल्स एंड परचेजेस बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. उसके बाद कंपनी के एसेट्स और कंपनी की, और उसके बाद अगर आपकी कंपनी किसमें एंगेज्ड है, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टेलीकॉम, फर्टिलाइजर, शुगर, डिफेंस, माइनिंग, रबर, प्लांटेशन, सीमेंट, ऑयल, पोर्ट, एरोनॉटिकल, एजुकेशनल सर्विसेज. इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, दो तीन लिख देना ऊपर के, एज गिवन इन सेक्शन 148. उसको क्या मेंटेन करने हैं? सच पर्टिकुलर रिलेटिंग टू व्हाट बेटा, यूटिलाइजेशन ऑफ मटीरियल और लेबर और अदर आइटम्स ऑफ कॉस्ट एज मे बी प्रिस्क्राइब. ब्रांच ऑफिस, अगर आपकी कंपनी की ब्रांच है तो ब्रांच के अकाउंट आप कहां रख सकते हैं? ब्रांच ऑफिस में, या फिर ब्रांच ऑफिस में भी रख सकते हैं, रजिस्टर ऑफिस में भी रख सकते हैं, लेकिन ब्रांच में रखा तो पीरियोडिकल रिटर्न आपको देना है. यस और नो? द ब्रांचेस ऑफ द कंपनी इफ एनी इन इंडिया और शेल कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन द सेम मैनर एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 128 फॉर द ट्रांजेक्शंस इफेक्टेड एट द ब्रांच ऑफिस. एक मिनट बच्चों, तो पहला पॉइंट क्या है? अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो पहला पॉइंट मैंडेटरी कर रहा है किसके लिए? द ब्रांच ऑफ द कंपनी इफ इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. ब्रांच इंडिया में है आपकी या फिर इंडिया के बाहर है, तो उसको क्या करना है? शैल ऑल्सो कीप, शैल ऑल्सो कीप मतलब उसकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने अकाउंट्स मेंटेन करे, और उसी तरह से मेंटेन करे जिस तरह से लिखा है सेक्शन 128 में, मतलब ड्यूअल एंट्री सिस्टम, गोइंग कंसर्न बेसिस, ऑल सम्स ऑफ मनी रिसीव्ड एंड एक्सपेंडेड बाय द कंपनी, सेल्स, एसेट्स, लाइबिलिटीज ऑफ ब्रांच. तो ब्रांच को ही मेंटेन करना है, तो शैल लिखा है मतलब पहले पॉइंट पे कंपलसरी है. किसको मेंटेन करना? ब्रांच को मेंटेन करना. फर्दर द ब्रांच ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू सेंड व्हाट बेटा? प्रॉपर समराइज रिटर्न एट द पीरियडिक इंटरवल्स टू द कंपनी एट इट्स व्हाट बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस एंड केप्ट ओपन टू द डायरेक्टर्स फॉर इंस्पेक्शन. In case branch office outside India, the summarized returns are required to be sent. At what beta? तो बच्चों मैंने जो आपको ब्रांच के बारे में बताया मैं उसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा. पहला, ब्रांच के अकाउंट्स, ब्रांच को बनाना क्या है? मैंडेटरी है. ब्रांच के अकाउंट किसको बनाना मैंडेटरी है? ब्रांच को बनाना मैंडेटरी है. प्लस जो ब्रांच में अकाउंट बनते हैं उनके समराइज रिटर्न. देखो ध्यान से, अगर ब्रांच कहां पे है? इंडिया में, तो कहां पे भेजना है? कौन से बेसिस पे? पीरियोडिक बेसिस पे. और अगर ब्रांच कहां पे है? आउटसाइड इंडिया में. तो अगर ब्रांच इंडिया में तो कौन से बेसिस पे? पीरियोडिक बेसिस पे. और अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो क्वार्टरली बेसिस पे. आपको ब्रांच में जो भी ट्रांजेक्शन हुए उसकी समरी कहां पे भेजनी है? अबे उसकी समरी कहां भेजनी है? रजिस्टर्ड ऑफिस. अरे हाँ ना, रजिस्टर ऑफिस. आप फिर जहां पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर रहे हो? मेंटेन कर रहे हो. उसकी समरी आपको हर तीन महीने में. अच्छा, यहां पे पीरियोडिक इंटरवल लिखा है. पीरियोडिक इंटरवल का मतलब क्या हो गया? इट शुड बी कंसीडर्ड एज क्वार्टरली ओनली. इट शुड बी कंसीडर्ड एज. लेकिन हाँ, अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो वहां पे क्लियरली लिखा है क्वार्टरली बेसिस पे समरी आपको भेजनी है. सो अच्छा, और जब ब्रांच के अकाउंट्स कहां पे आती है, ब्रांच की समरी कहां पे आती है? कंपनी के ऑफिस में आती है. तो क्या कंपनी के डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? जब ब्रांच के अकाउंट्स की समराइज्ड कॉपी कहां पे आती है? कंपनी में आती है. तो क्या कंपनी के डायरेक्टर इंस्पेक्ट कर सकते हैं? यस. क्या कंपनी के डायरेक्टर ब्रांच जा सकते हैं इंस्पेक्ट करने के लिए ब्रांच के अकाउंट? देखो, अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो फिर डायरेक्टर रिक्वेस्ट करेंगे. अगर ब्रांच कहां पे है, मैंने बोला था ना, अगर डायरेक्टर को कोई आउटसाइड इंडिया वाली इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ी ना उनको भेजेंगे इंस्पेक्ट करने के लिए बढ़िया प्लेन से कंपनी के खर्चे पे. नहीं, अगर ब्रांच इंडिया के बाहर है तो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या करेंगे, वो डायरेक्टर जिसको इंस्पेक्ट करना है वो रिक्वेस्ट करेगा कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, और जिस दिन वो रिक्वेस्ट करे उसके 15 डेज के अंदर अपन उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. दूसरा,
क्या इंडिया में ब्रांच है तो डायरेक्टर इंस्पेक्टर नहीं जा सकता है? डेफिनेटली जा सकता है. उसको जाना नहीं है तो समराइज रिटर्न रहेगा ब्रांच का, आप उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो. यस, इज दैट क्लियर? सो एक चीज याद रखना, ब्रांच के अकाउंट्स मेंटेन करना क्या है बच्चों, इट इज मैंडेटरी. ना बताता हूं, आई विल जस्ट कम टू दैट. यहां तक क्लियर है बच्चों सबको? अरे यहां तक क्लियर है सबको? चलिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कौन सा बच्चों? अरे कौन सा सिस्टम? ड्यूअल एंट्री सिस्टम, गोइंग कंसर्न बेसिस पे, यस और नो? द बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी कैप्ट ऑन व्हाट बेसिस? और कौन सा सिस्टम? डबल एंट्री सिस्टम. एक्रुअल कंसेप्ट इज वन ऑफ द फोर प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग कंसेप्ट, यस और नो? जो चार प्रिंसिपल है उनमें से एक कंसेप्ट है, कौन सा? एक्रुअल कंसेप्ट, विच इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस एज दे अक्रू, एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम वेन दे आर रिसीव्ड और पेड. तो एक्रुअल में क्या होता है? आपके इनकम और एक्सपेंसेस जब क्या होते हैं? एक्रू होते हैं. तो आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट पे रिकॉर्ड कर लेते हो? यस. द मेन फीचर ऑफ एक्रुअल कंसेप्ट इज दैट अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट कवर्स ओनली व्हाट बेटा? द रेवेन्यू एंड एक्सपेंस ट्रांजेक्शन ऑफ दैट पीरियड. टाइम कंसेप्ट इग्नोर करता है कौन सा कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड. एंड इग्नोर द टाइमिंग ऑफ व्हाट बेटा? एक्चुअल कैश रिसीट्स एंड द पेमेंट. सो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट में क्या होता है बच्चों? ये सिर्फ क्या करता है बच्चों? रेवेन्यू और एक्सपेंस ट्रांजेक्शन सिर्फ उसी पीरियड के कंसीडर करता है, आने वाले पीरियड के कंसीडर. एक्रुअल में क्या होता है? उस पीरियड के भी और आने वाले पीरियड के भी कंसीडर करता है. डबल एंट्री बुक कीपिंग इज अ मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट बेटा? एनी ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन सेट ऑफ अकाउंट इन विच एवरी ट्रांजेक्शन इज व्हाट बेटा? ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ व्हाट बेटा? डेबिट एंड क्रेडिट. देयरफॉर needs to be recorded in at least two accounts. For example, when the debtor pays cash to the business for goods that he has purchased, the cash held by business is increased and the amount due from the debtor is decreased. मैं यहाँ पे debit और credit में confused था, इसलिए मैंने दो account में effect कैसे दिया? एक को मैंने लिख दिया increase और एक को लिख दिया मैंने decrease. Cash increase हो जाएगा और डेट्स क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. सो हर एक ट्रांजेक्शन में कितने इफेक्ट है? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट माइट बी कि यहां से क्वेश्चन आ जाए. कहां से? इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट से क्वेश्चन कैन कम इन द एग्जाम. सेक्शन 128 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट एनी डायरेक्टर कैन इंस्पेक्ट व्हाट बेटा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर बुक्स एंड पेपर. याद रखना, बुक्स ऑफ अकाउंट के साथ साथ अदर बुक्स एंड पेपर रिलेटिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट, वाउचर्स वगैरह. जब मैं अदर बुक्स एंड पेपर कहूं तो मैं डिफाइन किया बुक्स एंड पेपर को, डोंट वरी. अब तक हमने मेंटेन इन इंडिया, मेंटेन इन इंडिया अगेन मतलब ब्रांच को जाने का नहीं है. रात को 3 बजे नहीं पहुंचोगे, चोर कहलाओगे. कब जाओगे? ड्यूरिंग बिजनेस आवर. सच इंस्पेक्शन में बी डन बाय नॉमिनी डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट प्रमोटर और प्रमोटर मतलब प्रमोटर डायरेक्टर, प्रमोटर डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर. और मैंने कहा कि आप अकाउंट से आपने क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो? बुक्स एंड पेपर हैज बीन डिफाइंड विच इंक्लूड्स व्हाट बेटा? अकाउंट्स, डीड्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स का मतलब वाउचर्स, राइटिंग एंड डॉक्यूमेंट. सो आप अकाउंट के साथ क्या इंस्पेक्ट कर सकते हो? कंपनी के जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आप वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हो, वाउचर्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हो. राइटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन कंपनी किसमें मेंटेन करती है? राइटिंग में. तो बुक्स एंड पेपर का रिलेशन सिर्फ अकाउंट से या अकाउंट्स के अलावा भी है? कैन आई से बुक्स एंड पेपर इज अ वाइड टर्म? मिनट्स भी आ गया बच्चों, राइटिंग मिनट्स आर इन राइटिंग ना. डॉक्यूमेंट्स, ये सारी चीजें कौन इंस्पेक्ट कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. द कंपनी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड टू मेक व्हाट बेटा? अवेलेबल द अफोरसेड बुक्स एंड पेपर्स फॉर इंस्पेक्शन बाय होम बच्चों? एनी डायरेक्टर. ठीक है, फर्दर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ होम बच्चों? सब्सिडरी कब जाएंगे? सताक्षी, सब्सिडरी की बुक्स एंड पेपर्स को कैसे इंस्पेक्ट करेंगे? कब जाएंगे? होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपको क्या करें? ऑथोराइज करें.
only on the authorization by way of resolution of board of director. तो board of director holding company के board of director resolution pass करके आपको authorize करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? Subsidiary company के books of accounts को क्या कर सकते हैं? Inspect कर सकते हैं. Where any other financial information maintained outside the country? Oh, maintained outside the country मतलब foreign की branch में. Foreign की branch में तो is required by the director. The director shall furnish. Furnish मतलब give. क्या देगा? Request to the company containing what beta? The full details of information sought. Sought मतलब चाहिए, जो आपको चाहिए आप पूरा लिख के दें. And the period for which such information is sought. और वो information आपको कितने के अंदर मिल जानी चाहिए? यहां पे लिखा है shall. Shall मतलब अगर director ने मांगी है तो company को देना ही है. लेकिन एक चीज याद रखना, कंपनी के ऊपर देने का ऑब्लिगेशन कब आएगा? यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एग्जाम में, जब उसका एप्लीकेशन क्लियरली बताता है कि उसको कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए और कौन से पीरियड के लिए चाहिए. ठीक है, एग्जाम में घुमाने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि डायरेक्टर ने इनकम्प्लीट एप्लीकेशन दिया था और इसलिए कंपनी ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की. अब डायरेक्टर कंपनी के ऊपर आरोप लगा रहा है कि कंपनी ने सेक्शन 128 को फॉलो नहीं किया. नहीं, योर एप्लीकेशन शैल बी कंप्लीट. It shall disclose the information that you want to have. It shall also disclose the period in respect of which you want to have the information. I want to know the sale made by the Paris branch of Indian company for the year 2018-19. बोल सकते हो? It may be noted that a director can seek. The director can seek the information personally and not by. अटर्नी होल्डर मतलब डायरेक्टर ने अपनी पावर कैसे दी है? कैसे दी है अपनी पावर डायरेक्टर ने किसी और को? पावर ऑफ अटर्नी के थ्रू दी है. तो नहीं, मैं डायरेक्टर हूं, मैंने अपनी पावर कोमल मयूरी को दे दी. मयूरी मेरे बदले जा बेटा तू चेक करके, नहीं मिलने वाली. वकील को दे दी. मेरे मरने के बाद मेरे लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दे दी. नॉट अलाउड. इट इज अ पर्सनल राइट ऑफ इंस्पेक्शन. इट इज अ नेक्स्ट. इट मे फर्दर बी नोटेड दैट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर अंडर दिस सेक्शन इट हैज बीन प्रोवाइडेड ओनली टू डायरेक्टर एंड नॉट टू एनीवन. मतलब इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट करने का राइट पूरी कंपनी में सिर्फ सिर्फ किसको मिला है? And not to any other employee. ठीक है? The officers and other employees of the company are under obligation to give to the person making inspection all assistance in connection with the inspection which the company may reasonably expected to give. मतलब बच्चों, अब मैं बोल रहा हूं कि इंस्पेक्ट कौन कर सकते हैं? सिर्फ डायरेक्टर्स ना. अच्छा, इंस्पेक्शन आप डायरेक्टर कर सकते हैं, बट करवाएगा कौन? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी के जो मुलाजिम है, जो कंपनी के क्या कंपनी के बिहाफ पे क्या करते हैं, अकाउंट्स क्या करते हैं, वो लोग इंस्पेक्शन करवाएंगे. हाँ या ना? तो जो लोग डायरेक्टर को इंस्पेक्शन करवाएंगे, क्या नहीं से उनको डायरेक्टर को पूरा असिस्ट करना है, मदद करनी है? डायरेक्टर बोलेगा यार सेल्स क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो कौन मदद करेगा? सो जो मदद कंपनी इज रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू गिव, वो मदद किसको देना चाहिए? उन ऑफिसर्स को देनी चाहिए जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या करते, मेंटेन करते. बेसिकली अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की जिम्मेदारी क्या है बच्चों? कि वो पूरी मदद करें. किसकी मदद करें? जो डायरेक्टर क्या करना चाहता है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करना चाहता है. पीरियड. द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एवरी कंपनी अलॉन्ग विद द वाउचर्स रेलिवेंट टू एनी एंट्री इन सच बुक्स आर टू बी मेंटेन इन गुड ऑर्डर फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 8 फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर. एक मिनट, अकाउंट्स और अकाउंट के साथ रिलेटेड वाउचर. तो मैंने देखा है कि आईकेएन एकेडमी में एक एडमिशन हुआ एग्जीक्यूटिव का, 50-70 हजार रुपए फीस आई है. तो ये रिसीट भी और अकाउंट भी कितने साल के लिए मेंटेन करना है? 8 साल के लिए. कहां से 8 साल? इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर, पिछले 8 सालों के लिए आपको मेंटेन करना है. इफ द कंपनी इज इन एग्जिस्टेंस फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 8 ईयर्स, देन अगर आप 8 साल से कम के लिए एग्जिस्ट करते हो तो जितने साल के लिए एग्जिस्ट करते हो उतने साल के. अगर कंपनी के अगेंस्ट क्या स्टार्ट हुआ है, इन्वेस्टिगेशन या इंस्पेक्शन कंपनी के अगेंस्ट ऑर्डर हुआ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो आपकी कंपनी से बोल सकती है कि आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करो. कितने साल के लिए? 8 से ज्यादा सालों के लिए.
डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर क्या होता है. अंडर 1956 एक्ट देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन चॉइस ऑफ फाइनेंशियल ईयर. 1956 के अंदर आपको जो फाइनेंशियल ईयर रखना था आप वो रख लो, 1 दिसंबर जो रखना था रख लो, 12 महीने का भी रख सकते थे, 15 महीने का भी फाइनेंशियल ईयर रख सकते थे, कब नहीं, और 1 दिसंबर से भी शुरू कर सकते थे. अ कंपनी वॉज फ्री टू अडॉप्ट अ फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग ऑन एंड. हाउएवर द इनकम टैक्स एक्ट हैज मेड इट मैंडेटरी फॉर एवरी कंपनी टू अडॉप्ट व्हाट बेटा, अप्रैल टू मार्च. मतलब हाँ, पहले 1956 के टाइम पे क्या होता था, कंपनी कोई और फाइनेंशियल रखती थी, कंपनी से कोई भी फाइनेंशियल रखना अलाउ करती थी, बट इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता था, अप्रैल से मार्च वाले ही रखो. लेकिन अब कंपनी एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट दोनों क्या हो गए, सेम हो गए. कंपनीज एक्ट 2013 ऑल्सो मेक्स इट मैंडेटरी फॉर व्हाट बेटा, एवरी कंपनी टू फॉलो अ व्हाट बेटा, होमोजीनियस. होमोजीनियस मतलब सिमिलर फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ फॉलोइंग ईयर. ईयर चेंज हो जाएगा ना, ईयर 2019, लेकिन ये खत्म कब होगा, ऑफ 31 मार्च ऑफ द फॉलोइंग ईयर. हाउएवर अ कंपनी विच इज अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी, अच्छा मैंने एसोसिएट कंपनी नहीं बोला, एसोसिएट कंपनी भी लिखा है, ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इज गिवन द ऑप्शन टू फॉलो व्हाट बेटा, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर प्रोवाइडेड द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सैटिस्फाइड दैट द सेम इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट बेटा, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट. तो क्या हो सकता है बच्चों, क्या आप डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर सकते हो, कैन यू फॉलो अ डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर, यस. लेकिन कब, सिर्फ तभी जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करो और सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो. क्या सेटिस्फाई कर दो, कि डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना क्या है, जरूरी है. किस चीज के लिए जरूरी है, किस चीज के लिए जरूरी है, कंसोलिडेशन के लिए. ठीक है बेटा, समझे क्या आपको, चले. हाँ, ये ब्रैकेट मैंने लिखा है, क्या लिखा है, ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब हुआ, 9 फरवरी 2018 से सेंट्रल गवर्नमेंट आई, और 9 फरवरी 2018 के पहले किसका अप्रूवल लगता था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल का अप्रूवल लगता था. ठीक है, तो 9 फरवरी 2018 के बाद से जिसको भी डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर फॉलो करना है, क्योंकि आपकी होल्डिंग सब्सिडरी या एसोसिएट कंपनी कहां पे, इंडिया के, अब आपको एप्लीकेशन किसको देना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा. लेकिन 9 फरवरी 2018 तक जितने लोगों ने अप्लाई किया था उन सबके एप्लीकेशन किसके पास है, उसके एप्लीकेशन एनसीएलटी के पास है, और उन एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ कौन करेगा, एनसीएलटी करेगा. इट मे फर्दर बी नोटेड दैट वेयर द कंपनी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड, कब बच्चों, ऑन और आफ्टर व्हाट बेटा, 1st day of January ऑफ ईयर, द फाइनेंशियल ईयर वुड बी द पीरियड एंडिंग ऑन 31st day of March ऑफ फॉलोइंग ईयर, इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इज मेड अप. इज दैट क्लियर, तो अगर आप कभी इनकॉर्पोरेट हुए हो, हाँ, अभी जब प्रोविजन नया नया 1st जनवरी के बाद इनकॉर्पोरेट हुए तो फाइनेंशियल ईयर आपका नेक्स्ट 31 मार्च होगा. अब जब 2014 में प्रोविजन आया था तो नया प्रोविजन था, तो इसलिए क्या दिया था, अ ट्रांजिशनल पीरियड ऑफ 2 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट बेटा, 1st अप्रैल 2014 वॉज प्रिस्क्राइब. बच्चों कट कर दो प्रोविजन, आपके नोट्स में लिखा है क्या प्रोविजन, हाँ कट कर दो. क्यों बच्चों, क्यों कट करने का, बोल भाई क्यों, डाउट है क्या, फर्स्ट जनवरी, यस, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर, बहुत सही बोल रहे हो. अगर आपकी कंपनी 1 जनवरी 2019 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो फाइनेंशियल ईयर कितने महीने का होगा, 15 महीने का हो जाएगा ना, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 15 महीने का चलता है, 3 महीने से अच्छा है समझ. लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है, 31 मार्च 2019 को इनकॉर्पोरेट हुई है तो फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर कितना होगा, 3 महीने का ही होगा, समझ में आ रहा है, चलिए. एनीवे, अगर अच्छा ये जो प्रोविजन मैंने कट कराया, ये जब ये प्रोविजन आया था, ये नया फाइनेंशियल ईयर का कंसेप्ट आया था, तो ऐसी कई कंपनीज होंगी जो अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती होंगी, क्योंकि पुराने एक्ट में अलाउड था. तो जो कंपनियां अलग फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती थी उनको कितने साल का टाइम दिया गया था,
दो साल का टाइम दिया गया था कि अब आप क्या कर लो, अपना फाइनेंशियल ईयर क्या कर लो, 1 अप्रैल से 31 मार्च का कर लो. Who are responsible for keeping the books of account, maintaining the books of account? कौन responsible है बच्चों? The person responsible to take reasonable steps to secure compliance by the company with the requirement of what beta? Maintains the books of account. कौन कौन है बच्चों? MD, WD, who is in charge of finance, full time director, मतलब basically he is an employee of the company. कंपनी का एम्प्लॉई है जो कंपनी का क्या है, डायरेक्टर भी बन गया. उसके बाद कौन है? CFO, एनी अदर पर्सन ऑफ द कंपनी चार्ज बाय द बोर्ड विद द ड्यूटी ऑफ कंप्लाइंग विद व्हाट बेटा, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 128. अच्छा, CFO तो कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता ना, CFO कंपनी का डायरेक्टर नहीं होता ना, ही इज जस्ट एन ऑफिसर. Can he inspect the books of accounts of the company? Ideally not, but he is responsible to maintain books of a account. So in order to maintain the books of account, he would have to definitely inspect the books of account. Inspect मतलब उसको बनाना ही पड़ेगा books of account को, ठीक है? In case of the aforesaid mentioned person, fail to take the reasonable steps to secure what beta? Compliance of this section and thus contravene such provision, they shall in respect of each offence be punishable with imprisonment which may extend to or fine which shall not be less than but which may extend to or both. This offence is what beta? Compound. Is that clear? Agar aap law ko comply karne mein kya ho gaye? Fail ho gaye. Electronic form mein maintain kar sakte ho? Are haan ya na? Can you maintain the books of accounts in electronic form? Yes or no? बिल्कुल maintain कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन compulsory है या optional है? The Companies Act 2013 permits the companies to maintain books of accounts and other books and paper in which mode बच्चों? Electronic mode, and it is what beta? Optional. For this the companies shall have to maintain a proper system of what beta? Retrieval, display or print out. मैंने ये वाला point miss किया था, print out of electronic manner, in electronic manner. और कौन से तरीके से? As an audit committee, if any or the board of directors may deem मतलब consider fit, appropriate मतलब सही, and such record shall be capable of being displayed in what beta? Legible form. So अगर company चाहे तो books of accounts को electronic form में maintain कर सकती है. शर्त क्या है? इट शुड, हाँ, स्टोरेज का फैसिलिटी, बैकअप का फैसिलिटी, प्रोसेसिंग, रिट्रीवल, इन सब की प्रिंट आउट, इन सब का फैसिलिटी होना चाहिए. और ये सब चीजें कौन अप्रूव करेगा? ये सारे तरीके ऑडिट कमेटी, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी तो ऑडिट कमेटी, नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये चीजों को अप्रूव करेंगे. इट मे बी नोटेड दैट नो बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म शैल बी डिस्पोज्ड ऑफ और रेंडर्ड unusable unless permitted by law. मतलब आप books of account को तब तक संभाल के रखोगे, तब तक आपको delete नहीं करना है जब तक कौन permit ना करे, law permit ना करे. Law कब permit करता है? 8 years. The information received from a branch office shall not be altered and shall be kept in the same manner where it shall depict का मतलब क्या होता है? Show what originally received from the branches. ये चीज याद रखना बच्चों, यहां पे एकदम ध्यान से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ब्रांच से आई हुई इंफॉर्मेशन में ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, क्या वे वैसा कर सकते हैं? नहीं. ब्रांच की इंफॉर्मेशन में आप कोई भी चेंजेस कर नहीं सकते. इट शैल बी कैप्ट इन द मैनर दैट इट शोज व्हाट एग्जैक्टली इट रिसीव फ्रॉम द ब्रांच. इज दैट क्लियर? ब्रांच से जो भी इंफॉर्मेशन आती है आप उसमें किसी भी तरह के बदलाव नहीं कर सकते. क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और ये एक लाइन वाले पॉइंट को पकड़ के क्वेश्चन बना के देंगे केस लॉ, इसलिए यू हैव टू गो थ्रू ईच एंड एवरी पॉइंट. द इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑफ द डॉक्यूमेंट शैल बी केपेबल ऑफ बीइंग डिस्प्लेड इन अ लेजिबल फॉर्म. ठीक है. बैकअप ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इंक्लूडिंग एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया. मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट, मतलब आपको बैंक बैकअप मेंटेन करना है किसका?
बुक्स ऑफ अकाउंट का जो आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर रहे हो, इंक्लूडिंग वो इंफॉर्मेशन जो आप आउटसाइड इंडिया मेंटेन कर रहे हो उसका भी बैकअप आपको इफ एनी शैल बी कैप्ट एट सर्वर्स फिजिकली लोकेटेड ऑन इंडिया इन इंडिया ऑन अ पीरियडिक बेसिस. एक बार रीड करना ये पॉइंट वापस से. जस्ट रीड दिस पॉइंट वंस अगेन. इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप इंफॉर्मेशन रख रहे हो, इंडिया में भी रख रहे हो और फॉरेन की ब्रांचेस में भी आप क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इंफॉर्मेशन रख रहे हो. तो भले ही ब्रांच आप इंफॉर्मेशन इंडिया की मेंटेन कर रहे हो, फॉरेन की मेंटेन कर रहे हो, अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करो तो आपको वो इंफॉर्मेशन का पूरा बैकअप रखना चाहिए सर्वर्स में. कौन से सर्वर्स? जो फिजिकली कहां पे प्रेजेंट है इंडिया में. गूगल ड्राइव पे नहीं रख सकते क्योंकि गूगल ड्राइव के सर्वर्स आई बिलीव इंडिया में नहीं है. गूगल ड्राइव के सारे सर्वर्स कहां पे हैं? यूएसए में. अमेजॉन वेब सर्विस पे भी नहीं रख सकते, उसके सारे सर्वर्स चाइना में है. यह सुनो, तो आपको ऐसी वेबसाइट पे रखने जिसके सारे सर्वर्स कहां पे हो, या ऐसे तरीके से रखने जिसके सर्वर्स बैकअप के जो सर्वर्स है वो कहां पे हो, इंडिया में. कुछ नहीं बच्चों, अपनी कंपनी में इनहाउस सर्वर ले लेने का, 10-15 हजार GB का सर्वर ले लेने का, वहां पर मेंटेन कर लेने का. The company shall intimate to the registrar on annual basis at the time of filing in financial statement. तो ये सारी requirement आपके ऊपर applicable कब होगी? जब आप अपनी information कैसे maintain करें, electronic form में maintain करें. आपको ROC को बताना है, जब आप अपने financial statement के साथ file करो तो आपको ROC को बताना है क्या क्या. The name of the service provider. कौन सा service provider? बेसिकली जब अपन अपने अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन करते हैं तो अपन सॉफ्टवेयर खरीदते हैं. क्या खरीदते हैं? जैसे टैली वगैरह होता है वैसे अपन सॉफ्टवेयर खरीदते हैं. तो वो सॉफ्टवेयर आपने किससे खरीदा? एसएपी. कई लोग एसएपी फॉलो करते हैं कंपनीज में. पता है क्या आपको एसएपी? एक सॉफ्टवेयर अकाउंट मेंटेन करने का. सुपान सर को बहुत अच्छे से पता होगा. सो जो भी सॉफ्टवेयर में आप अपने अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके, वो सॉफ्टवेयर आपको कौन सेल कर रहा है, आपको उसका नाम किसको बताना है? आरओसी को बताना है. और क्या बताना है? द इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ऑफ सर्विस प्रोवाइडर जो है आपको उसकी वेबसाइट का एड्रेस बताना है. द लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, कहां से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो सर्विस आपको कहां से प्रोवाइड करता है, सॉफ्टवेयर की जो सर्विस है वो कहां से प्रोवाइड करता है. वेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड अदर बुक्स एंड पेपर्स आर मेंटेन ऑन क्लाउड सच एड्रेस एज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस प्रोवाइडर. अगर आप क्लाउड वगैरह पे मेंटेन करते हैं तो वो एड्रेस जो कौन प्रोवाइड करता है, क्या एड्रेस मतलब लिंक ना बच्चों? अरे एड्रेस का मतलब क्या होता है? लिंक, जिसके थ्रू क्या कर सकता है आरओसी भी आपके बुक्स ऑफ अकाउंट क्या कर सकता है, चेक कर सकता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 128. बस करना है आज के लिए बच्चों. प्लीज घर जाके एक बार अच्छे से क्या कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा.